को भी ट्रेड लेने से पहले ही आपको डर लगता है कि ट्रेड लूंगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, या ट्रेड लेते वक्त डर लगता है, या ट्रेड लेने के बाद जब प्रॉफिट लॉस दिखता है तो आपको डर लगता है कि क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। अब हमेशा डर डर के ट्रेड लेते हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आपके जो डर वाला जो प्रॉब्लम है ना, बीमारी, ये वीडियो को देखने के बाद आपका जो डर का जो प्रॉब्लम है ना, वो खत्म होने वाला है। तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि लोग ट्रेडिंग करते समय डरते क्यों है, क्या कारण है। देखो, जब तक उसको बीमारी को पकड़ में नहीं आएगा, जैसे कोई डॉक्टर कहीं जाता है तो डायरेक्ट उसको दवा नहीं देते, उसको बीमारी को पकड़ता है, टेस्ट लिखता है कि असल में इसका बीमारी है क्या, उसके बाद क्या होता है, फिर इलाज दवा देता है। उसी प्रकार ट्रेडिंग में हम पहले आपको ये पता करेंगे कि लोग ट्रेडिंग में डरते क्यों है, क्यों डर, ट्रेडिंग लेने से पहले क्यों डरते हैं या ट्रेड लेने के बाद क्यों डरते हैं कि प्रॉफिट होगा लॉस होगा, इसका क्या कारण है, वो कारण सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं, उसके बाद हम इसका सलूशन आपको बताऊंगा आगे में। तो सबसे पहले ये हम लोग जानते हैं कि लोग ट्रेड लेते समय या ट्रेड लेने से पहले या ट्रेड लेने के बाद डरते क्यों है, तो उसका कुछ मल्टीपल कारण है। देखो, सबसे पहले इसका नंबर वन कारण क्या है, बिगिनर माइंडसेट। देखिए, अगर आप जो न्यू ट्रेडर है ना, जब मार्केट में आते हैं ना, तो जब ट्रेड लेते तो हमेशा वो डरता है। रीजन क्या, देखो वो एक रुपया भी लॉस करना नहीं चाहता है, सच में बता रहा, ये आप भी सोचते हैं, यस या नो बताना, ये आप भी ऐसे ही सोचते होंगे कि मेरे को लॉस नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट ही होना चाहिए। लेकिन मैं सच बताऊं कि ट्रेडिंग एक ऐसी बिजनेस है कि अगर इसमें आप 10 रुपया लॉस करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर मार्केट आपको 20 रुपया नहीं देगा। आपको ट्रेडिंग में कैरियर बनाना है तो पहले आपको लॉस लेने के लिए भी तैयार रहो, तभी मार्केट आपको प्रॉफिट देगा। अगर आप सिर्फ प्रॉफिट लेने के बारे में सोचोगे ना, तो मार्केट पूरा पैसा आपसे ले लेगा, पूरा कैपिटल ही स्वाह कर देगा, आपको भिखारी बना देगा, सच बता रहा हूं। तो ट्रेडिंग एक ऐसी बिजनेस, आपको पहले 10 रुपया लॉस लेने के लिए तैयार है तभी आपको क्या है 20 रुपया देगा। लेकिन बिगनर जो मार्केट में बिगनर रहता ना, जो न्यू ट्रेडर मार्केट में आता है, तो उसको इतना पता नहीं रहता है, तो उसका यही माइंडसेट रहता है कि मेरे को ट्रेडिंग से पर डे क्या है प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसका एक ही माइंडसेट है, ट्रेडिंग से डेली पैसा बनता है। लेकिन असल में ऐसा है कि ट्रेडिंग से डेली पैसा नहीं बनता है। आपको अगर 100 ट्रेड करेंगे या 100 दिन ट्रेड करेंगे तो हो सकता है 60-70 बार 80 बार 80 दिन आप प्रॉफिट में रहेंगे, लेकिन 20 से 30 दिन आप लॉस में ही रहेंगे, वो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन जो न्यू ट्रेडर है, जो बिगनर ट्रेडर है ना, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उसको चाहिए कि ट्रेडिंग से मेरे को डेली प्रॉफिट होना चाहिए। इसलिए इसका क्या है ना कि एक दिन भी लॉस हो जाएगा ना, तो उसको रिकवर करने के चक्कर में आप देखते होंगे ओवर ट्रेडिंग कर लेता है, रिवेंज ट्रेडिंग करता है, जहाँ 1000 रुपया का लॉस रहता है उसको रिकवर करने के चक्कर में 10,000 को क्या करता है, लॉस कर देता है। मतलब वो लॉस को एक्सेप्ट ना करने के चक्कर में क्या होता है, मतलब मल्टीपल लॉस कर देता है और उसको डर लगने स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा सा भी लॉस दिखेगा, फर्स्ट बार जो प्रॉफिट हो जाता है ना तो बहुत खुश हो जाता है, दूसरा भी प्रॉफिट हो जाता है मार्केट बहुत खुश हो जाएगा, जब लॉस हो जाएगा ना तो लॉस को रिकवर करने के चक्कर में मल्टीपल ट्रेड करा और लॉस हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होता है उसके साथ, जब भी ट्रेड करता है ना, हमेशा डर डर के ट्रेड करता है, ठीक है ना। अगर ऐसे आपके साथ होता मुझे कमेंट करना, ठीक है ना। ये एक सबसे बड़ा बीमारी है बिगिनर का। अब देखिए सर, डर डर ट्रेड करने का रीजन क्या है, क्योंकि उसको ट्रेडिंग का नॉलेज कमी है ना, उसके इसके पास कोई स्ट्रेटजी है ना, वो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं ना, वो मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं ना, इसके पास कोई रिस्क टू रिवॉर्ड्स भी है ना, उसको कोई ट्रेडिंग सेटअप या स्टेज पे कोई प्रैक्टिस है, एक्सपीरियंस है, बिलीव नहीं है, इसके वजह से आपका क्या है, उसको डर लगता है। ये है फर्स्ट कारण, मैं आपको बता दिया। दूसरा कारण क्या है, इम्पोर्टेंट मनी। अब बोलेंगे सर ये क्या हो, मतलब इसका क्या मतलब हो इम्पोर्टेंट मनी। इम्पोर्टेंट मनी क्या होगा, जब न्यू ट्रेडर आते हैं ना, क्या करते हैं कि इसके पास इम्पोर्टेंट मनी हो सकता है, अगर ये आपके पास कोई पैसा 1,00,000 रुपया, एग्जाम्पल में बोलता हूँ, हो सकता है ये आपका मेडिसिन के लिए रखा हुआ है, हो सकता है इसको जो आपको कुछ शादी विवाह के लिए रखे होंगे, हो सकता है ये अपना कोई इम्पोर्टेंट घर बनाने के लिए, हो सकता है ये पैसा लोन के लिए होगा, मतलब हो सकता है किसी को कर्जा वाले को देने के लिए, तो ये आपके पास इम्पोर्टेंट मनी 1,00,000 रुपया हो सकता है, एग्जाम्पल में बोलता हूँ। आप ये इम्पोर्टेंट मनी से आप क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे ना, तो हमेशा आप डर डर के ट्रेड करोगे। आपकी ये होगा कि भाई 1,00,000 रुपया ये है, या 10,000 ही मान लेते हैं हम लोग कि 10,000 रुपया है, ये लॉस ना हो जाए, लॉस हो जाएगा तो फिर ये मैं पैसा कैसे उसको दूंगा, लोन वाले का पैसा कैसे दूंगा, जो है किसी से कर्ज लिया उसको मैं कैसे दूंगा। तो उससे आप क्या करेंगे ना, हमेशा डर डर के ट्रेड करेंगे, और डर डर के ट्रेड करेंगे तो 100% 10,000 है ना, 0 होना ही होना है। जो ट्रेडिंग में डर गया वो समझो मर गया, सिंपल फंडा है।
तो इस वजह से भी आपको है ट्रेडिंग में लॉस होने का कारण है। तो कभी भी आपको ट्रेड करते हैं ना, तो कभी भी गलती से आपको जो इम्पोर्टेंट मनी होगा, जो आपको लगता है कि ये पैसा काम आ सकता है, ये फैमिली के लिए या लोन भरने के लिए, मेडिसिन के लिए, कुछ भी, तो उस पैसा से कभी भी गलती से ट्रेड ना करें। कभी भी ट्रेडिंग करते हैं ना, तो हमेशा एक्स्ट्रा मनी आपके पास है, अगर वो लॉस भी हो जाए तो आपको इतना रिग्रेट ना हो, गम ना हो, उसी पैसा से आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है ना। तो कभी भी इम्पोर्टेंट मनी से आपको क्या है, ट्रेड ना करें। अगर आप करते होंगे हमेशा डर डर कर ट्रेड करते होंगे, 100% आई एम श्योर हूँ, अगर ऐसा आपके साथ होता तो जरूर कमेंट करना, यस हाँ भाई मेरे साथ ऐसा होता है, ठीक है ना। एक ये हो गया कारण, ठीक है ना, बिना एक ये हो गया डर, ट्रेडिंग में डर होने के कारण। दूसरा है ट्रेडिंग विथ टोटल कैपिटल। एक डर होने के कारण ये भी हो सकता है कि बहुत लोग के पास, मान लीजिए जो क्या है, एग्जाम्पल बोलता हूँ कि 1,00,000 कैपिटल है, मतलब 1,00,000 रुपया वो ट्रेडिंग करने के लिए रखा हुआ है, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, टोटल 1,00,000 से ट्रेड करते हैं, और इसके पास 1,00,000 रुपया टोटल 1,00,000 से ट्रेड करते हैं, इसका माइंड सेट ये होता है कि 1,00,000 को मैं क्या करूँगा, 5 दिन में, 6 दिन में, 1,00,000, 21 दिन में 1,00,000 को मैं डबल कर लूँगा, या 2 दिन में 1,00,000 को 2,00,000 कर लूँगा, ठीक है ना, ये माइंड सेट होता है उसका। तो टोटल कैपिटल से ट्रेड करते हो आप, 1,00,000 को 2,00,000 करने के लिए तो 10,000 से होगा नहीं जल्दी, इसके लिए क्या करेंगे, उसको 1,00,000 का करेंगे, 2 पूरा कैपिटल से ट्रेड करेंगे तभी हो सकता है। तो टोटल कैपिटल से ट्रेड करते हैं, उसके वजह से उसको हमेशा डर लगता है कि मान लीजिए आपके पास 1,00,000 कैपिटल ही है, ठीक है ना। आप ट्रेड लेने से पहले तो आपको ये माइंडसेट होगा, चलो ठीक है मैं ले लेता हूँ 1,00,000 कैपिटल से ट्रेड कर लेता हूँ। जब ट्रेड ले लेंगे ना, तब आपको एग्रीग्रेट होगा कि काश मैं क्यों लेता। देखो ये हमारा जो माइंड है ना, ब्रेन, बहुत ही चंचल है, मार्केट के लिए बहुत ही चालाक है, वो हमेशा धोखा देने की कोशिश करता है हम लोग को, ठीक है ना। वो आपको क्या करेगा, ट्रेड जब नहीं ट्रेड लेंगे तब बोलेगा ले लो, जब ले लेंगे तब आपको डराएगा। मतलब जब आपके पास कैपिटल 1,00,000 रुपया रहेगा ना, तो आपको पहले आपका जो यही ब्रेन है ना बोलेगा अब तू ले ले, 1,00,000 को 2,00,000 हो जाएगा, या 1,00,000 का 1,50,000 हो जाएगा। जब आप ट्रेड लेंगे तो वही ब्रेन है ना, जो भी माइंड सेट है ना, आपको डराएगा, भाई निकल जा नहीं तो लॉस हो जाएगा। ये माइंड सेट बहुत चंचल है, तो कभी भी माइंड सेट पर आपको जाना नहीं है, बैलेंस में रहना सीखो, ठीक है ना। तो मान लीजिए आप ट्रेड लेने से पहले पूरा कैपिटल से ट्रेड करेंगे ना, अब मान लीजिए पूरा कैपिटल लगा लेंगे, तो आपको हमेशा डर लगेगा कि भाई मेरे पास इतना ही कैपिटल है, अगर ये लॉस ना हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर मेरे पास कैपिटल ही नहीं है तो फिर मैं कैसे ट्रेड करूँगा, ठीक है ना। इसलिए अगर मान लीजिए आपके पास 1,00,000 कैपिटल है, 1,00,000 से ट्रेड करते हैं, तो मान लीजिए कोई भी स्ट्रेटजी तो 100% काम नहीं करता, मैं पहले बताया, तो मान लीजिए 20 पॉइंट का एसएल है, 40 पॉइंट का टारगेट है, तो आपको यहाँ पे मान लीजिए 100 क्वांटिटी से ट्रेड कर, 1,000 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, तो आपका एसएल क्या होगा, 20,000 का होगा, और प्रॉफिट क्या होगा, 40,000 का होगा। तो आपको, आप खुद अपना कॉमन सेंस लगाओ, क्या आप एसएल 20 पॉइंट का 20,000 का लेने के लिए तैयार हो, अगर आप बिगिनर हो तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते ना। आप क्या करेंगे, 20,000 का प्रॉफिट लेंगे ना आप, 40,000 का ना आप 20,000 का लॉस लेने के लिए तैयार है ना आप 40,000 का प्रॉफिट ले पाएंगे, क्योंकि थोड़ा भी लॉस दिखेगा आपका सीटी पीटी गुम हो जाएगा, और थोड़ा सा भी प्रॉफिट दिखेगा ना 10,000 या 15,000 भी नहीं, तो आपका हालत ख़राब हो जाएगी, भाई ये प्रॉफिट लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए ना। आप टारगेट को फॉलो करेंगे ना स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे, अगर पूरा कैपिटल से ट्रेड करेंगे तो, ठीक है ना। तो आप टोटल कैपिटल से ट्रेड करेंगे फिर भी आपका होगा डर लगेगा। तीसरा चौथा कारण है विदाउट स्ट्रेटजी। आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, अगर मान लीजिए आपका ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हो चुका है, अगर ट्रेडिंग करते हैं लेकिन आपके पास कोई भी स्ट्रेटजी ही नहीं है, मैं अगर आपको बाय कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है, तो आप हमेशा डर डर के ट्रेड करोगे, आई एम राइट या रॉन्ग। जब क्योंकि आपको जब आप क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बन गया, आप बाय कर लिए, ठीक है, अब फिर एक भी रेड कैंडल बनेगा ना, तो आपका सीटी पीटी गुम हो जाएगा, क्या करूँ क्या करूँ, लॉस ना हो जाए, ठीक है ना। तो आप हमेशा डर डर के ट्रेड करोगे, अगर आपके पास सेटअप नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है ना, तो आप हमेशा डर डर के ट्रेड करो। आपको ना आप स्टॉप लॉस, आपके पास सेटअप ही नहीं है तो आपका पता ही नहीं कि आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, ना टारगेट पता है, कुछ भी नहीं पता है, तो हमेशा डर डर के ट्रेड करेंगे, या क्या, या तो थोड़ा प्रॉफिट लेंगे या थोड़ा लॉस लेंगे, यही माइंडसेट से आप क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। अगर आपके पास स्ट्रेटजी है तो आपको रीजन ही नहीं पता कि आप बाय क्यों कर रहे हैं, सेल क्यों कर रहे हैं, आपका स्टॉप लॉस क्या है, आपका टारगेट क्या है, तो 100% आपका डर लगेगा ही, और हमेशा 100% आपका लॉस होने का भी संभावना ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। तो एक ये भी है, बिना स्ट्रेटजी नहीं रहेगा फिर भी आपको क्या है, डर लगेगा, ठीक है ना। तीसरा चौथा, ठीक है ना,
पांचवा हो गया डोंट बिलीव इन स्ट्रेटजी। आपके पास मान लीजिए, आपके पास कोई स्ट्रेटजी, मान लीजिए मेरे पास स्ट्रेटजी है, मान लीजिए ट्रेन लाइन ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है, ठीक है ना, स्ट्रेटजी है मेरे पास, स्ट्रेटजी है, मुझे पता है कि मेरा स्ट्रेटजी बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन इस स्ट्रेटजी पर मुझे बिलीव ही नहीं है कि ये हमको कितना आरआर देगा, कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देगा, कि 1:2 देगा, कि 1:2 ये कितना बार कब कितना बार प्रॉफिट देता है, मतलब 70 बार देता है कि 80 बार प्रॉफिट देता है 100 में से, हमको पता ही नहीं है कि ये इस कितना बार प्रॉफिट भी दे सकता है, कितना बार लॉस दे सकता है, इसका आरआर क्या है, कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, कहाँ हमको बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है, ये भी नहीं पता हमको, ठीक है ना, और इसका एक्यूरेसी नहीं पता कि कितना बार सही हो सकता है, क्योंकि हम बिलीव इसलिए कि हम उस पर काम ही नहीं किए, प्रैक्टिस ही नहीं किए, तो बिलीव नहीं है फिर भी हम क्या करेंगे, डर डर के ट्रेड करेंगे। अगर आपके पास स्ट्रेटजी है उस पर आपका बिलीव ही नहीं है, तो फिर अगेन आप वही करोगे ना, आप स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे ना टारगेट को फॉलो करेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि इसका ये कितना बार सही हो सकता है, कितना बार गलत हो सकता है। इसके लिए आपको क्या, आप बिलीव कब होगा, तो कम से कम आपको 150 एक ही स्टेज पर 150 बार आपको क्या करो ट्रेड करना पड़ेगा, तभी आपको बिलीव हो कि ये स्टेज कितना परसेंट काम करता है, इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है। इस कारणों से भी आपको क्या ट्रेडिंग में डर लगता है, कमेंट करना यस या नो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, 6 रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते हैं ना, फिर भी आपको ट्रेडिंग में क्या होगा, डर लगेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि मेरे को पर ट्रेड कितना रिस्क है, या पर डे मेरा रिस्क कितना है, ये भी नहीं पता है, तो फिर भी आप डरोगे, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करोगे। तो रिस्क मैनेजमेंट को आपको फॉलो करना पड़ेगा। मान लीजिए पर ट्रेड में 1000 रुपया का लॉस लेना है, या 2000 का लॉस लेना है, या 3000 का लॉस लेना है, ये हमको पता ही नहीं है, या पर डे मेरे को कितना लॉस लेना है, 3-4 हज़ार का लेना है, या 5000 का लेना है, ये पता ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ, ओवर ट्रेडिंग करूँगा, मल्टीपल ट्रेड करूँगा, और लॉस होने का संभावना मेरा काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो रिस्क मैनेजमेंट ना होने के कारण भी हम क्या होगा, मेरे को ट्रेडिंग में डर लगेगा। लास्ट है पोजिशन साइज। आपका माइंडसेट क्या होता है ना ट्रेड लेने से पहले, आपका माइंडसेट क्या होता है कि मैं अगर ये सोचते कि मैं बिगिनर हुआ, मान लीजिए बिगिनर, आपके पास मान लीजिए पैसा है, बिगिनर फिर भी आपके पास पैसा है, तो आपका ये माइंडसेट है कि मैं क्या करता हूँ, 1000 क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ, स्ट्रेटजी के हिसाब से 20 पॉइंट का SL है और 40 पॉइंट का टारगेट है, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी 100% काम नहीं करता, वो आप भी जानते हैं, ठीक है ना, कोई भी स्ट्रेटजी 100% नहीं काम करता। आपका ये माइंडसेट है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं 1000 क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ, तो 10000 का भी 10 पॉइंट भी बढ़ेगा ना, तो 10000 का प्रॉफिट हो जाएगा, 20 पॉइंट बढ़ जाएगा, 20000 का प्रॉफिट होगा, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि 20 पॉइंट घट भी सकता है, तो 20000 का लॉस भी हो सकता है, 10 पॉइंट घट भी सकता है, 10000 का लॉस भी हो सकता है। आप लोग है ना, कभी भी लॉस के बारे में ना सोचते, हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, तो आप क्या करते हैं ना कि ज़्यादा कैपिटल से क्या करते हैं, आप ट्रेड ले लेते हैं, मान लीजिए 200 वाला प्रीमियम बैंक निफ्टी में ट्रेड किए, तो थोड़ा मान लीजिए 200 गया, 200 पर बाई किए, तो 205 गया, तो यहाँ पर आपको 5000 का प्रॉफिट दिख रहा है, आपको आप प्रॉफिट भी दिख रहा है, तो फिर भी आपको डर लगता होगा कि ये प्रॉफिट लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए। फिर 205 से हो गया 210, आपको 10000 का प्रॉफिट दिख रहा है, फिर 210 से हो गया 215 का प्रॉफिट, आपका हालत खराब कि ये प्रॉफिट लॉस में ना कन्वर्ट, क्या करूँ, बेचूँ ना बेचूँ, आप बेचूँ ना बेचूँ, आप कन्फ्यूजिंग में रहेंगे और डर डर के आप होल्ड करेंगे। आप ऐसा नहीं कि आप 200 पर बाई किया और डायरेक्ट 280 तक चला जाएगा, ऊपर नीचे भी आता है तो 200 वाला फिर आ जाएगा कितना, 210 पे, तो आपको यहाँ से रिग्रेट है ना स्टार्ट हो जाएगा कि काश में 215 पर बेच देता तो मेरे को 15000 का प्रॉफिट हो जाएगा, फिर वो 205 पर आ जाता है, अब आपको और भी रिग्रेट हो जाता है कि काश में 10000 प्रॉफिट दिख रहा था, मैं 10000 में निकल जाता कितना अच्छा होता। फिर अगेन क्या है कि वो क्या है, कोस्ट टू कोस्ट आ जाएगा, 200 पर आ गया प्रीमियम, तो आपको यहाँ पर ना प्रॉफिट ना लॉस देखता है, वहाँ पे आप क्या करेंगे, या तो एग्जिट कर लोगे या तो आप लॉस बुक करके एग्जिट करोगे, यही माइंडसेट होता है। तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा पोजीशन साइज होने के बाद भी रहे, ज़्यादा पोजीशन साइज से भी आप ट्रेड करेंगे ना, तो फिर भी आपको हमेशा ट्रेडिंग में डर लगेगा। तो ये कुछ कारणों से क्या है ना, आपको ट्रेडिंग में क्या है, डर लगता है, अब उस कारणों को आपको बंद करना पड़ेगा। आप उसका इलाज क्या है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बिगिनर माइंडसेट है ना स्टार्टिंग में, तो आप न्यू ट्रेडर हो, तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग के बारे में सीखना है, कम क्वांटिटी से ट्रेड करना है, एक लॉट से आपको कम से कम 6 महीने आपको ट्रेड करना है, अगर बिगिनर हो आप, ट्रेडिंग के बारे में आपको सीखना है कि ट्रेडिंग क्या है, कैसे काम करते हैं, इसका रिस्क टू रिवॉर्ड से क्या है, स्ट्रेटजी क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड इश्यू क्या होता है, कई सारी आपको जानकारी लेना पड़ेगा, बिगिनर तो आपको सीखना पड़ेगा,
दूसरा, कभी भी गलती से आपको इम्पोर्टेंट मनी है उससे आपको ट्रेड कभी भी गलती से ना करे। आपको वो पैसा से आपको ट्रेडिंग करना है जो आपका एक्स्ट्रा मनी है। अगर वो लॉस भी हो जाए तो आपको इतना रिग्रेट ना हो, इतना अफसोस ना हो, क्योंकि स्टार्टिंग में सभी का लॉस होता है, ठीक है ना। कभी भी गलती से टोटल कैपिटल से ट्रेड ना करें। कैपिटल के 10 भाग करके आपको ट्रेड करना है। अगर मान लीजिए आपका कैपिटल 1,00,000 है तो इसको 10 भाग करके आपको ट्रेड करना है, मतलब 10,000। अगर 10,000 से भी ट्रेड डर लगता है तो उसको क्या कर देना है, 2,500 से आपको फिर ट्रेड करना है, ठीक है ना। ऐसा आपको करना है। कभी भी गलती से पूरा कैपिटल से ट्रेड ना करें। कैपिटल को 10 भाग कर दीजिए और 10 भाग में आपको डर लगता है, फिर 10,000 से भी डर लगता है तो उसको भी 5 भाग कर दीजिए, या 4 भाग कर देना आपको, 4 भाग, ठीक है ना। 4 भाग करके आपको ट्रेड करना है, ठीक है ना। दूसरा, तीसरा, हमेशा आपको स्टेजेस पर ट्रेड करना है। आपके पास कोई ना कोई स्टेजी होना चाहिए और इसका उस पर आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। कम से कम 2 महीना 3 महीना 6 महीना का प्रैक्टिस होना चाहिए। आप एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस साइड आपको सब कुछ पता होना चाहिए। और चौथा हो गया बिलीव, अपने स्ट्रेटजी पर आपको बिलीव होना चाहिए कि ये स्ट्रेटजी कितना परसेंट इसका एक्यूरेसी है, इसका RR क्या है, कितना रिस्क टू रिवॉर्ड होगा, कितना बार सही होगा, कितना बार गलत होगा, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। हमेशा क्या करना, आपको रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको ट्रेड करना। और लास्ट में पोजिशन साइज, आपको उतना ही क्वांटिटी से ट्रेड करना है जिससे आपको एक SL भी जाए तो आप SL ले सकते हो। प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना, आपको स्टॉप लॉस के बारे में सोचना कि अगर मान लीजिए मेरा स्टॉप लॉस भी चला जाएगा ना तो मैं खुशी खुशी ले सकता हूँ। उतना ही क्वांटिटी से आपको ट्रेड करना। आपको टाइट के नहीं सोचना, पहले आप देखो अगर मान लीजिए मेरा अगेंस्ट जाता तो क्या मैं इतना पॉइंट के SL ले सकता हूँ इतना कैप क्वांटिटी से। अगर हाँ, तभी आप क्वांटिटी साइज बढ़ाना, नहीं तो नहीं बढ़ाना है। तो ये था, अगर इसको फॉलो करते हैं तो क्या लगता है आपको, डर लगेगा क्या? 100% नहीं लगेगा। अगर लगेगा यस या नो बताना, हाँ सर लगेगा कि नहीं लगेगा, आप लोग जरूर कमेंट करना, ठीक है ना। अगर ये फॉलो करते तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगने वाला। एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट सूचना देने जा रहा हूँ कि मेरे ऑप्शन 27 क्लास एज ए लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है 8 मई से। अगर आपका इच्छा है तो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। लॉस करने से अच्छा आप उतना, जितने में आप लॉस करोगे उतना में आप ट्रेडिंग सीख लोगे, क्योंकि आपका एक SL जाने से, एक SL हिट होने से आप ट्रेडिंग सीख सकते हो, इतना लो फी है। अगर इच्छा आपका है आप देख सकते हो। तो ये वीडियो से आपको क्या सीख मिला मुझे कमेंट करना। वीडियो अच्छा लगा जो लाइक एंड कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलते हैं अगेन नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।